How are you, students? I hope everybody will be happy and healthy. Bada vidyarthi mitro ne mara namaskar. This is Hiren Tandel from Padmaj Academy, Navsari. मैं यहाँ पे ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 11th केमिस्ट्री यूनिट 3 सेमेस्टर 1 का यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी उसका ये पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। अगर आप डायरेक्टली सेकंड वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट वॉच द फर्स्ट वन। उसमें मैंने इससे पहले की जो बातें उसको समझा दी है। ये पार्ट 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूं आयनिक रेडियस से। ओके, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस कैसे होता है वो देखेंगे। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है एटम से तो क्या होगा, वो कैटायन बनेगा। एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एनायन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो एनायन बनेगा। मतलब कैटायन में कौन सा चार्ज रहेगा हमारा, प्लस चार्ज होगा। एनायन में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। जो पेरेंट्स एटम होता है उससे कैटायन कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो उसकी साइज ये है। ठीक है, तो अगर सोडियम कैटायन हो जाता है तो उसकी साइज कितनी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। ओके, तो साइज छोटा हो जाएगा। उसी तरह द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से एनायन की साइज कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसको नीचे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो यहां पे हमारा कैटायन है फ्लोरीन। ठीक है, एनायन है फ्लोरीन, नेगेटिव चार्ज है एनायन, उसका साइज होता है 136 पिकोमीटर। ठीक है, 136 पिकोमीटर। तो जो फ्लोरीन एटम होता है, ठीक है, उसका रेडियस कितना होगा, तो कितना है उसका, 64 पिकोमीटर। ठीक है, तो फ्लोरीन जो पेरेंट एटम है वो छोटा होता है, और एनायन जो होता है उसका रेडियस बड़ा होता है। तो सोडियम की बात करें तो उसका रेडियस है 186 पिकोमीटर। ठीक है, और आयन में जब कन्वर्ट होता है तो उसका क्या हो जाता है, 95 पिकोमीटर हो जाता है। उसके बाद वर्ड है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैसे होते हैं 8 एटॉमिक नंबर है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले रखे हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। फ्लोरीन के भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 10 हो गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसलिए 10 हो गया। मैग्नेशियम ने 2 रखे हैं इसलिए 10 हो गया। तो ये सभी जो आयन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, तो उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम है 3.5, जिसमें हमें द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। साइज सबसे लार्ज किसका है और स्मॉल किसका है, तो हमें पता होता है कि साइज लेफ्ट टू राइट, मतलब अक्रॉस कितना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अक्रॉस जाएंगे तो स्मॉल साइज होता रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल कॉलम मिल रहा है हमें, अक्रॉस जाएंगे तो
एल्यूमिनियम मिल रहा है, और एल्यूमिनियम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे रखे तो उससे भी ये छोटा हो जाएगा, तो स्मॉल साइज किसका हो जाएगा, Al3+, और लेफ्ट साइड पे साइज बड़ी होगी, तो लेफ्ट साइड पे कौन है हमारा, मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+ मतलब ये छोटा होगा मैग्नीशियम से, लार्जेस्ट स्पेसिस इज मैग्नीशियम। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब हम इस वर्ड को समझेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एलिमेंट जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जो एटम होता है उसके अंदर से, आइसोलेटेड एटम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कोई एटम है, ओके, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, तो जो एनर्जी उसके अंदर देनी पड़ रही है हमें, उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, इसका ये सिंबल है डेल्टा IH, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। और उसी तरह से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला हुआ है, और हमने क्या किया, दूसरा एक निकाल दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2+ चार्ज आ गया इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाती है यहाँ पे। चलो, तो इसका रूल क्या है, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर, जो दूसरी होती है वो ज्यादा होती है देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम न्यूट्रल आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे हमने देख लिया कि x से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, x प्लस हो गया, लेकिन अगर x प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है और x 2+ करना है, तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। न्यूट्रल एटम से निकालना है तो कम लगेगी, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज आयन से निकालना है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। नोबल गैस होते हैं उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलो, यहाँ पे हमें दिखाया गया है एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं और एंथैल्पी, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी साइज छोटी होती जाएगी, ये एक ही पीरियड में साइज छोटी होती जाएगी, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे फिर ग्रेजुअली साइज क्या होगी, छोटी होती जाएगी, ओके। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट अक्रॉस क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रहा है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, बढ़ रही है।
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी तरह से हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ती रहती है, ठीक है, इससे ये बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेंगे मतलब, लेकिन क्या होता है टॉप टू बॉटम एनर्जी एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, साइज ज्यादा बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन ये इजीली रिमूव कर सकता है, छोटी है तो जल्दी रिमूव नहीं करेगा। उसके बाद हम सीखेंगे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे सेल्स हैं, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो जो न्यूक्लियस होता है उसका पॉजिटिव इफेक्टिव पावर, पॉजिटिव इफेक्टिव जो चार्ज होता है उसको क्या करेंगे, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उस पर कम कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे शील्डिंग बोलेंगे या स्क्रीनिंग बोलेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवीनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जैसे 2s है यहाँ पे और अंदर 1s है, तो 1s क्या करेगा, 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम की अगर बात कर रहे हैं, इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर 1s इलेक्ट्रॉन, अंदर 1s है तो 1s वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, किसके लिए, 2s के लिए, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव पावर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे लगता है उसको कम कर देता है। शील्डिंग इफेक्ट इज, शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर अंदर के ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं 1s2 ये पूरा भरा हुआ है तो ये शील्डिंग इफेक्ट करेगा, इसके लिए 2s के लिए। Across a period, increasing nuclear charge outweighs the shielding. Across जाएंगे हम left to right जाएंगे, तो क्या होता है, shielding effect होती है लेकिन nuclear charge ज्यादा होता है, nuclear charge क्या करता है, overweighs the shielding effect. Okay, मतलब size क्या हो जाती है, छोटी होती रहती है। Ionization enthalpy increases across the period. जैसे जैसे size छोटी होगी, electron remove नहीं होगा easily. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की बात करेंगे हम, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग क्या बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑर्बिट्स हमारे ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है, साइज बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को, अंदर का जो न्यूक्लियस है बाहर के इलेक्ट्रॉन को बराबर संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये इजीली रिमूव हो सकता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन अ ग्रुप, ठीक है, रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी, बाहर का इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो सकता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट हम सोच रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं बोरॉन, ठीक है, बोरॉन है और बेरिलियम है, यहाँ पे दो है बेरिलियम एंड बोरॉन जो हमारे सेकंड पीरियड से आते हैं, बेरिलियम एंड बोरॉन। तो बेरिलियम 4 पे है, बेरिलियम
यहाँ पे होगा ये फोर है और बोरोन का कौन सा है फाइव। तो लेफ्ट टू राइट हमने तो कहा था कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरोन की स्लाइटली लेस है, बोरोन की कम है। तो ऐसा क्यों है, बोरोन की कम और उसकी ज्यादा, ऐसा क्यों है, इसकी कम इसकी ज्यादा होनी चाहिए ना लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे समझाया गया कि जो बेरिलियम है ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा होता है, 2s 2 रहेगा, s ऑर्बिटल भरा होगा। और बोरोन में क्या है, s में इलेक्ट्रॉन है, बोरोन की बात करेंगे तो p में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 2p1 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो क्या हो जाता है इसमें, तो द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, 2p होता है ना, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये इजिली लीव कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो उसके लिए, इसके लिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, लेस है, कम है, बोरोन का कम है, किससे, बेरिलियम से। इसमें तो कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल है, तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इजिली छोड़ेगा नहीं, तो इसकी बोरोन की कम हो जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी। रूल से थोड़ा अपोज में चल रहे हैं ये। उसी तरह से यहाँ पे समझाया है दूसरा, एनोमेली कहाँ पे है, दूसरी एनोमेली डिफरेंस दूसरा ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में ठीक है, नाइट्रोजन पहले आएगा बाद में ऑक्सीजन आएगा। तो इसकी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ज्यादा होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए ठीक है, ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन, दिस अराइज बिकॉज ऑफ द, लेकिन क्या है यहाँ पे किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। टू ऑफ द फोर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम देखेंगे, तो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा 2p3 होगा और यहां पे 2p4 ओके। तो इसमें ऑर्बिटल हम देखेंगे तो हाफ फिल है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक एक ही रहेगा, फोर हो गया टोटल। तो इसमें हाफ फिल है, और हमने पता है कि हाफ फिल होता है या फुल फिल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं। और इसमें दो, एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। कॉन्सिक्वेंटली इट इज इजियर टू रिमूव द फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन इट इज टू रिमूव वन ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से निकालने से इजी किसका हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का इजी रहेगा। तो इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसमें ज्यादा है, ऑक्सीजन में ज्यादा है, इसलिए इसकी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। प्रॉब्लम दिया गया 3.6, जिसमें हमें द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी गई है, वैल्यू ऑफ द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में हमें जो दिए है Na सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद सिलिकॉन रहेगा और यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम रहेगा। तो इन की तीन की हमें दी है, जैसे सोडियम की 496 है,
मैग्नीशियम की है 737 और सिलिकॉन की हमें दी है 786 किलो जूल पर मोल. प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 रहेगी, मतलब यहाँ पे कुछ रहेगी 575 या 760 कुछ इस तरफ रहेगी या कुछ इस तरफ रहेगी, ऐसा हमें पूछा है किलो जूल पर मोल. जस्टिफाई योर आंसर. एल्यूमिनियम बीच में आ रहा है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम कौन सा हो जाता है 3p, एल्यूमिनियम का 3p1 हो जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3s2 यहाँ पे फुल्ली फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये छोड़ सकता है और शील्डिंग इफेक्ट भी होगी इसमें, तो एल्यूमिनियम की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो किसके करीब आ जाएगी 575 किलो जूल पर मोल कुछ इस तरह से होगी. इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p में क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट होगी, ठीक है, किसकी 2s की या 1s की शील्डिंग इफेक्ट होगी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. चलो उसके बाद है वर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, कोई एटम के अंदर न्यूट्रल गैसियस एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन आने से कैसा आयन हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा. द एंथैल्पी चेंज, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रही है accompanying the process is defined as electron gain enthalpy. जो enthalpy में change हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, electron gain enthalpy, delta EGH. electron gain enthalpy, तो ये हमारा neutral atom है जिसके अंदर एक electron आ रहा है, तो यहाँ पे वो anion हो गया, तो enthalpy में जो change हुआ वो कौन सा क्या हो गया, electron gain enthalpy, anion as represented here. ठीक है, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम कैन बी इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक भी हो सकता है एक्सोथर्मिक भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी, वो नेगेटिव में वैल्यू उसका गिना जाएगा. फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है ज्यादातर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, जब एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर एड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बाहर जाएगी, इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी आउट, इलेक्ट्रॉन आउट एनर्जी इन, तो ज्यादातर का क्या होगा, नेगेटिव होगा. एनर्जी गेन रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी. ग्रुप 17 की बात करें हम, जो हेलोजन की बात करेंगे, तो हैव अ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ज्यादा मोर नेगेटिव है 17 की ओर. यहाँ पे उसका ट्रेंड दिखाया गया है, तो हम देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे भी ऐसा है, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, ठीक है. और जो हमारा ग्रुप जीरो है, मतलब नोबल गैसेस है, उनमें उनकी प्लस में वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फुल्ली फील्ड वैलेंसी है उनकी, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव में है. और यहाँ पे आप एनोमली कहाँ पे डिफरेंस, कहाँ पे इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मोर नेगेटिव होनी चाहिए
मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव है ना, तो ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है, लेस नेगेटिव है, सल्फर की मोर नेगेटिव है। जैसे यहाँ क्लोरीन की मोर नेगेटिव है, फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे कुछ एनोमली है, डिफरेंसेस है। तो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों इजीली आ रहे हैं और यहाँ पे क्यों इजीली नहीं आ रहे, यहाँ पे क्यों इजीली आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों इजीली नहीं आ रहे, तो उसका रीजन हमें समझाया नीचे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब साइज छोटी होती जाएगी। जैसे छोटी हो रही है तो क्या हो गया, मोर नेगेटिव हो रही है, इस तरफ मोर नेगेटिव होगी। और लेस नेगेटिव, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज और बढ़ेगी, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे हो जाएगी, लेस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे लेस नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव हो जाएगी और लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, जो इश्यू हो रहा है वो किसका हो रहा है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के नीचे के एलिमेंट जो होते हैं सक्सेडिंग एलिमेंट, तो वो कौन से हैं, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इन दोनों की ज्यादा कैसे है, तो हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये किसमें है, सेकेंड पीरियड में होते हैं, ठीक है, और थर्ड पीरियड में हमारे हैं सल्फर एंड क्लोरीन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों इजीली नहीं आ रहा, इसमें क्यों इजीली आ सकता है, तो यहाँ पे ये 2n पे क्वांटम लेवल एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्सन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसमें 2s में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा हो रहा है, सिग्निफिकेंट रिपल्सन 2s में, n2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लेवल फॉर द n3 द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लार्जर रीजन ऑफ द स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस। इसमें दो एक तो रीजन है, यहाँ पे लार्जर रीजन मिल रहा है एस के लिए सल्फर एंड क्लोरीन को, प्लस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या है, यहाँ पे लेस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली आ सकते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इजिली आ जाएंगे उतना मोर नेगेटिव, ठीक है, इसीलिए क्लोरीन और सल्फर मोर मोर नेगेटिव है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जगह पे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम 3.7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर नेगेटिव किसकी होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये समझ लिया हमने। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगी, तो फ्लोरिन से ज्यादा किसकी हो जाएगी, क्लोरिन की हो जाएगी, और यहाँ पे सल्फर है आपका, ठीक है, और सल्फर से ज्यादा है क्लोरीन की मोर नेगेटिव, और यहाँ पे आपका कुछ सल्फर है और फोस्फरस, तो इसकी कम होगी, तो मोस्ट नेगेटिव कौन हो जाएगा, क्लोरीन। मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में जाके मोर नेगेटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव हो गई, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी कम होता है। द वन विथ लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
कम किसकी होगी, लिस्ट नेगेटिव किसकी होगी, फॉस्फोरस, यहाँ पे जो रह जाता है वो फॉस्फोरस, लेस नेगेटिव और क्लोरीन की मोस्ट मोर नेगेटिव। ओके तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के से हम कल देखेंगे दूसरे वीडियो में, पार्ट थ्री में इसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई एक्सपेक्ट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द सिंपल कंसेप्ट इन सिंपल वर्ड्स। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक प्रेस द बेल आइकन, like it, share it, and if possible write down the positive remarks, positive comment, you can write positive comments. Thanks for watching.